मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे राय गानी करती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा कदम, वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मतरबों का कदम, जैसे सापा गामा पागा सारे वो तबले की तरकट पे तक दिन धनक दिन धनक दिन धना दिन वह हम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवाइयों के घर चल रहे थे, मगर जिस घड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियाँ कितनी बारीकियाँ कितनी कलियाँ बलावल गवाइयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितनी नुसरत फतेह कितने मेहंदी हसन मुंतजर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहीं से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके ये देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी तिरछी लकीरों को हम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रास्ते पे आँखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू जो नहीं है तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवांची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आँखों को तू जो मयसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे न होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरा न होने से हर एक जमा में कि तेरे न होने से हर एक जमा में हर एक इल्म फन में हर एक दास्ता में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे राय गानी करती बराबर अंदाज़ा नहीं है।